एक सवाल अक्सर सभी ने सुना होगा, आस पड़ोस, घर, मोहल्ले, स्कूल, कोचिंग, कॉलेज वगैरह में, कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें? आखिर क्या वजह है इसकी? अरे वजह ही तो चाहिए ना पढ़ाई के लिए। नमस्कार, मैं अरविंद लोधी, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं गतिमान अकेडमी। जी हाँ, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि मैंने बता रखा है कि पढ़ाई का रामबाण इलाज मिल गया, तो ये बात बिल्कुल सत्य है और मैं आपको विद प्रूफ के साथ बताऊंगा। आप इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। आपके सामने एक पहलवान खड़ा है, वो कोई आपको बोले कि आप बिना मतलब के जाकर उससे लड़ाई करो, तो क्या आप उससे लड़ाई करोगे? कभी नहीं। लेकिन अगर वही पहलवान आपके छोटे भाई को मारना चाहता है, तब आप क्या करोगे? इसका जवाब आपको पता है। आप अपने भाई को बचाने के लिए अपनी जान लगा दोगे, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ी वजह थी कि मुझे मेरे भाई को बचाना है, इसलिए आप उस पहलवान से लड़े। तो क्या आपके पास कोई वजह ऐसी है पढ़ाई करने की? अगर कोई वजह ही नहीं है, तो आपका मन कैसे लगेगा? किसी और के बोलने से पढ़ाई कर सकोगे कभी? बिना मतलब पहलवान से लड़ोगे? नहीं ना। तो सबसे पहले ये पता करो कि आपको पढ़ाई करना क्यों है, क्योंकि जब तक आपके पास पढ़ने की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं होगी, आपका पढ़ाई में मन कभी नहीं लगेगा। ये सत्य है, यूनिवर्सल सत्य है, इसको आप माने अन्यथा बिल्कुल भी ना माने। ये बात मैंने अपने आप से खुद पर लागू की है, खुद पर अप्लाई की है, तो मुझे इसका जवाब यही मिला है कि पढ़ने के लिए बहुत बड़ी वजह चाहिए पड़ती है। कभी भी आप बिना वजह, बेवजह कोई काम नहीं करते। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, आप मई जून के महीने में, आपके घर में, परिवार में, या आपकी बहन की शादी है और आप बहुत ज़्यादा काम करके आए हुए हैं, अगर मैं बोलूं कि आप कार्ड बांट के आए हुए हैं, बिल्कुल 2-3 बजे की दोपहर में आप घर पहुँचे, तो आपको कोई घर का सदस्य पानी लेके आया कि लीजिए पानी पी लीजिए, तो आप क्या बोलते हैं कि रुकिए थोड़ा मैं बैठ लूँ फिर पीता हूँ पानी? और इतना बोलने के जस्ट बाद आपके किसी रिलेटिव का या आपका ही घर का, परिवार का सदस्य का कोई बच्चा छत से नीचे गिर जाता है, तब आप तुरंत दौड़ के भाग के, आप नहीं जितने भी सदस्य बैठे हैं सभी, तब आप ये नहीं सोचेंगे कि बाकी लोग तो दौड़ रहे हैं मैं क्यों जाऊं, या आपसे कोई बोलेगा नहीं पढ़ाई की तरह की पढ़ाई कर लो, आप खुद से दौड़ के वहां पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी वजह है, एक बच्चा टेरेस से, छत से गिरा हुआ है। तो इससे आप क्या समझते हैं, क्या सीखते हैं? आपको वजह ढूंढनी पड़ेगी, और वजह जब तक नहीं मिल जाए तब तक आपको ढूंढनी पड़ेगी। हो सकता है 2 दिन में मिल जाए, हो सकता है 2 घंटे में, हो सकता है 2 महीने में, हो सकता है 2 साल में, समय लग सकता है, समय दीजिए और इस वजह का पता कीजिए कि आपको आखिर पढ़ना क्यों है, क्यों ज़रूरी है पढ़ना। बाकी और भी काम तो किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त, आप वजह का पता कीजिए कि वजह क्या है कि आप पढ़ सकें उस वजह के पीछे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा, या कई लोगों ने देखा भी होगा कि कई जो बच्चे होते हैं गरीब तबके से आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे, या कई लोगों के इंटरव्यू सुने होंगे कि वो बोलते हैं कि मेरे पापा या मेरी मम्मी शादियों में पूड़ी बनाती हैं, या मेरे पापा रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हैं 2 बजे रात को, तो क्या मैं 2 बजे रात को बैठ के घर में एक छत के नीचे पढ़ नहीं सकता? तो ये उनके पास वजह होती हैं, तब जाके वो कुछ बड़ा कर पाते हैं। तो आप बिल्कुल भी समय ना गवाइए और आज से ही ये वीडियो देखने के तुरंत बाद इस बात का पता कीजिए कि ऐसी आखिर कौन सी वजह है कि आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है या आपको पढ़ना चाहिए, और जब तक वजह नहीं मिल जाती तब तक आपका मन पढ़ने में नहीं लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, सबसे पहले आप क्या करें, वजह ढूंढें, उस वजह का पता करें, और जब वह वजह मिल जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वजह मिल गई, क्योंकि जब तक कोई वजह नहीं होगी ठोस, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बहुत बड़ी वजह चाहिए पड़ती है। जितनी बड़ी वजह है आपकी होगी मेरे दोस्त, आज आप लिख के रख लेना, उतनी ही वजह, उतनी ही बड़ी आप फतेह हासिल करोगे, उतनी ही बड़ी आपकी जीत होगी। बस आपकी वजह बड़ी होनी चाहिए, बशर्ते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात का इलाज, जो रामबाण इलाज मैंने आपको थंबनेल में बता रखा है, उसका मिल गया होगा कि पढ़ाई करने के लिए, आपके लिए मन लगाने के लिए, पढ़ाई में मन लगाने के लिए रामबाण इलाज क्या चाहिए, क्या
क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये जवाब आपके पास है। आप इसको ढूंढ सकते हैं और हर वह व्यक्ति सफल हो सकता है जिसके पास कुछ ना कुछ करने की वजह है। हर काम में वजह की ज़रूरत पड़ती है। पढ़ाई में मन लगाने के लिए अपने तरीके की वजह होती है और किसी काम को करने की अपने तरीके की वजह होती है। हमको मजबूरी नहीं ढूंढना है कि हमारी ये मजबूरी है, हमको वजह ढूंढना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।